पहले तो मुझे ना इसका नाम बड़ा अनोखा लगा है, ये नाम क्यों ढूंढा, कहाँ से ढूंढा और क्या कहानी है इस नाम के पीछे की? चंगेज जी, ये राजा ने डे वन से जब से कंसीव किया था, जब से स्टोरी लिखी थी राजेश गांगुली ने और नीरज के साथ, नीरज बाद में स्ट्रक्चरिंग में राजा को काफ़ी उसने सपोर्ट किया, तो शुरू से उसका उसने नाम चंगेज रखा हुआ था। वजह ये कि चंगेज भी जैसे मैं हिस्ट्री मेरी बड़ी वीक है, बट जो हम जानते हैं कि उसने काफ़ी सारी जगह पर बाहर ट्रैवल कर जाके उसने काफ़ी सारी जगह को कैप्चर किया था। तो यहाँ पर ये भी बंगाल से शुरू करता है ये कैरेक्टर चंगेज जो है, और कैसे इसका नाम चंगेज पड़ता है। इसका दरअसल नाम जयदेव सिंह है, हाँ, और जयदेव सिंह से चंगेज कैसे बनता है यही कहानी है। इसमें तो बिल्कुल आप एकदम स्टाइलिश लग रहे हैं, मतलब किस एंगल से आप, मैं समझूं कि आप अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इसमें तो आप हीरो लग रहे हैं। अच्छा, अंडरवर्ल्ड वाला नहीं लग रहा है क्या? नहीं, मुझे काफी लोगों ने कहा कि हाँ, तो अंडरवर्ल्ड में हैंडसम लोग हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, कोई पढ़ाई, कोई होमवर्क, कोई? वी डिड अ वर्कशॉप, लॉट ऑफ वर्कशॉप। ये करीब 1.5-2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, इस फिल्म पे स्क्रिप्ट लेवल पे काफी काम किया। लॉकडाउन के टाइम से चल रहा था, उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते हम लोग काफी नरेशंस लेते थे, वर्कशॉप करते थे। जब भी बात करते हैं 70s और 90s के आसपास की, पूरी कहानी उस समय में बनी हुई है, आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि आई एम श्योर आप जितने साल तो उससे यहाँ समय बिताते आए हैं, आपका ऑब्जर्वेशन भी वैसा ही रहा होगा अंडरवर्ल्ड को लेकर। बचपन हमारा तो 90s में तगड़ा गुजरा है, हाँ जी। तो हमें 90s की काफ़ी सारी रिफ्लेक्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें याद हैं, और है तो काफ़ी हद तक फिक्टिशियस कहानी है पूरी, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो उस समय रेलिवेंट थे, उस समय हम लोगों ने देखा है, कुछ ऐसे किरदार भी हैं फिल्म में, तो उस दौरान वैसे वो किरदार थे। तो ये सारे कुछ रियल एनेक्डोट्स, रियल इंसिडेंट्स से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड भी है, तो हमने कोशिश की है कि 90s में बंगाल पर से का अंडरबेली, अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता था, उसको ले आना यहाँ पर आपके सामने, दर्शकों के सामने। आमतौर पर, हो सकता है मैं अगर गलत हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट नहीं, आमतौर पर अंडरवर्ल्ड और किसी कोस्टल एरिया की बात आती है तो एकदम से मुंबई और अंडरवर्ल्ड और ये सब आता है, ऐसे में बंगाल की कहानियों की ऑथेंटिसिटी लाने के लिए आपने क्या किसी से बातचीत किया, किसी बुक को फॉलो किया? राइटिंग को ही फॉलो किया, जो जिस तरह से पिन डाउन किया गया था, सारे कैरेक्टर्स, सिर्फ मेरा कैरेक्टर नहीं, सबके कैरेक्टर्स को जिस तरीके से पिन डाउन किया गया था, तो उसमें जो रिसर्च, जितना भी डेप्थ पे जाना था, वो राजेश गांगुली और स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में किया है, स्टोरी में नीरज ने किया है, तो अच्छा लगा था, बड़ा कनेक्ट हो रहा था। एंड ये रैक्स टू रिचेस वाली कहानी, आई एम मेकिंग इट फ्रॉम नोबडी टू समबडी और नोबडी टू नो नोबडी, सो दैट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग, लाइक एज एन ऑडियंस मैं भी देखना चाहूँगा ऐसी कहानियाँ। और अगर कोलकाता की बात कही जाए तो, और कलकत्ता का भी है, वो ऐसा था, अभी भी है, और एक ज़माने में तो ज़्यादा था, 90s-20s में वहाँ का भी एक अंडरवर्ल्ड था, वो एक नेटवर्क था, एक दुनिया थी वो भी, और हमने बॉम्बे का देखा है, दूसरी जगह को देखा है, अब की बार कलकत्ते का, बंगाल का। ये बहुत नई और यूनिक बात मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि सडनली कोलकाता या पश्चिम बंगाल के अंडरवर्ल्ड का कोई कनेक्शन ऐसा होगा सोचने में नहीं आता है, बट था काफ़ी। तो ऐसे में मतलब मैं एज अ दर्शक जानना चाहूँगी कि और कौन कौन सी भाषाओं में लाने की आपकी इच्छा है, या आपको लगता है कि अगर हिंदी में एक्सेप्टेंस अच्छा मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, तो हम तो ओपन हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी आइडियाज़, हमारे चंगेज़ में टैगलाइन भी है, द वन हु हैज़ नो बाउंड्रीज एंड नो लिमिट्स, सो हम चाहते हैं कि हाँ, ये सारे बाउंड्रीज, सारे बैरियर्स को तोड़ कर आगे जाए, इंडिया की दूसरी लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ हो और वर्ल्ड की दूसरी लैंग्वेजेस में भी रिलीज़ होगी, तो हमें बहुत खुशी होगी। डेफिनेटली, मज़ा तो देखने में डेफिनेटली आने वाला है। एट द सेम टाइम आजकल जहाँ पर लैंग्वेज अब कोई बैरियर नहीं बन रहा, जी, लैंग्वेज एक जरिया है और दैट्स इट, आप जी, उसको डब कर दीजिए, नीचे सबटाइटल दे दीजिए, पहले भी होता था लेकिन अब वो प्रचलन बढ़ता ज़्यादा हो गया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि मतलब इतने सालों से आप यहाँ पर, आपका एक ऑब्जर्वेशन होगा, आपकी एक सोच होगी, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? आपने सही कहा, पिछले कुछ सालों से दर्शकों के बीच में नए चेहरों का, नई इंडस्ट्रीज़ का, नई आइडियाज़ का
जो ईगरनेस है वो बढ़ गया है, और इससे हमें भी एक मैंने इंस्पिरेशन मिला, हमें भी मोटिवेशन मिला कि हाँ क्यों हम भी ट्राई कर सकते हैं। और बस सब कुछ हो गया ठीक से। अनिल भाई, अनिल थदानी जी, उन्होंने फिल्म को देखा, पसंद किया और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राजी हो गए। ये हमारे लिए खुशी की बात है और आ रही है हिंदी में। रोहित गोस्वामी सॉफ्टवेयर वो यही के हैं, तो किस तरीके से आपकी उनके साथ इंटरेक्शन रही है, आपके बाकी के एक्टर्स के साथ? हमें इस किरदार के लिए उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है, समीर सिन्हा उसका नाम है उस कैरेक्टर का, उसके लिए हमें एक पर्सनैलिटी चाहिए थी जो उसको कैरी कर सके, और हमने काफ़ी नाम सोचे थे, फिर वी जीरो डाउन ऑन रोहित एंड थैंकफुली लाइक ही वॉज अवेलेबल एंड ही हैड फिट टू द रोल, लाइक वी आर हैप्पी विद द वे ही इज परफॉर्म, द वे ही इज पुल्ड इट ऑफ, बहुत अच्छा फिट हुआ है वो। I'm sure. बंगाल से ना टेलीविजन भी बहुत इम्पैक्टफुल लेकर रहा है, आप भी टेलीविजन पर दिखाई दिए हैं, आज के समय में किस तरीके से आते हैं टेलीविजन की दुनिया को बांग्ला में और नेशनली टेलीविजन की दुनिया को? हाँ, टेलीविजन आप पोस्ट भी रहे हैं एक। मैंने शुरू में टेलीविजन में काम किया हुआ है, डेली शोज में भी काम किया है, मैंने वीकली शोज में भी काम किया है, शोज भी किए, मैंने होस्टिंग एंड ऑल दैट, क्वाइट अ फ्यू शोज आई हैव होस्टेड। तो या कोई भी मीडियम, उसकी अपनी एक मजबूती होती है, उसका एक अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना एक अपनी पहुंच होती है। तो या टेलीविज़न हो चाहे फिल्में हो, बंगाल में कंटेंट तो हमेशा से ही बनता आया है, और ये एक ऐसा कंटेंट है जिसे हमने सोचा कि बंगाल से बाहर भी ले जाएं। डेफिनेटली। तो कहाँ से 70s वाला, शायद बेल बॉटम पहना होगा, शायद वैसी गाड़ियाँ लाई होंगी, आर्ट वर्क कितना अट्रैक्ट करेगा लोगों को? अब देखिए, आप हमारे आर्ट डिपार्टमेंट में, आर्ट डिपार्टमेंट ने अपने अपना रिसर्च किया था, अपना होमवर्क किया था, और हमारे लिए एज अ प्रोड्यूसर भी चैलेंज था, हमने कभी इस जॉनर को अटेम्प्ट नहीं किया था, एक पीरियड को पकड़ के चलना, 90s वाला एरा दिखाना, ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग था। आई होप दैट आप सबको पसंद आएगा। और कोई ऐसी बातें जो आप दर्शकों से स्पेशली कहना चाहते हो? बस प्यार बरसाइए। चंगेज पर 21 तारीख को रिलीज हो रही है, 21st of April 2023, ईद के दौरान, तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक, और 21st अप्रैल, ईद 21st अप्रैल चंगेज रिलीज हो रही है थिएटर्स में, प्लीज़ आके देखिए। और आगे आने वाले समय में कोई बांग्ला प्रोजेक्ट या किसी? अभी तो फिलहाल पूरा फोकस जो है चंगेज पर है, अभी उठना बैठना सोना जागना सब चंगेज है।